The first question is how flexible budget works. Flexible budget जब हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए हमें दो चीजें जरूरी होती हैं कि what is our cost structure. The cost structure consists of variable and fixed costs. What costs are variable costs and what costs are fixed costs? We will first of all at the first stage we will see this. हम ये देखेंगे कि हमारी कौन सी कॉस्ट जो हैं वो वेरिएबल कॉस्ट हैं और कौन सी कॉस्ट जो हैं वो फिक्स कॉस्ट हैं. You need to revise this concept which you have already studied. कि variable cost is the cost which changes with the direct proportion of the change in activity. When activity increases, the variable cost increases, total variable cost increases. And when the activity decreases, total variable cost decreases. On the other side, fixed cost remains the same irrespective of change in level of activity within the relevant range. So, हम ये कहते हैं जी कि एक जो कॉस्ट हो है वो दो तरह की है, एक फिक्स हो सकती है और एक वेरिएबल हो सकती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव अ लुक ऑन द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ आर प्रॉब्लम और आर ऑर्गेनाइजेशन. तो उसमें हम ये देखेंगे कि हमारी कौन सी कॉस्ट वेरिएबल हैं और कितनी वेरिएबल हैं और कौन सी कॉस्ट हमारी फिक्स्ड हैं और कितनी फिक्स्ड हैं. ये सारी चीजें हम पहले स्टेप के ऊपर देखेंगे. Then next the question is how we will develop our flexible budget. As in our last discussion, मैंने आपको बताया कि flexible budget जो होता है that is the budget which is prepared at any stage of at any level of activity. तो उसमें हम लोग जो है वो उसको उस तरीके से बनाते हैं कि जिसमें हम किसी भी level of activity के ऊपर उसको budget कर लेते हैं. और जब हम लोग परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग फ्लेक्सिबल बजट जो है वो एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी पे बनाते हैं. तो हम लोगों की जो एग्जांपल है उसमें हमने नंबर ऑफ लॉन्स जो हम लोगों ने मूव किए हैं, जो जिनकी हम लोगों ने ट्रिमिंग की है, वो है 550. तो हम 550 के ऊपर जो है वो हम फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे. तो the first step of preparing the flexible budget is to develop our revenue or cost formulas. ki hamare jo revenues or cost formulas hain wo kya hain, aur wahi wali baat isme wo concept aayega ki hamara cost structure kya hai. to yahan pe hamare paas revenue jo hai wo 75 per lawn hai, to hum log isko 75 q iska formula likh lete hain. यहाँ पे Q means number of lawns हैं, that is mentioned here. तो जब हम लोग 75 को multiply करेंगे 550 के साथ तो हमारे पास total revenue की figure आ जाएगी. इसको हम लोग जो है वो अभी Excel में करना भी सीखेंगे. Wages and salaries के ऊपर जब हम बात करेंगे तो उसका formula हमारे पास ये है. This formula shows that 5000 is the fixed part of that cost. And 30 per unit or the per lawn is the variable part of that cost. तो इसको हम लोग calculate करने के लिए क्या करेंगे? 30 को multiply करेंगे 550 के साथ. That is Q. तो you need to replace Q with the 550 figure. आपको इन सारे formulas के अंदर जहाँ जहाँ पे Q नजर आ रहा है, उसको 550 से replace कर देंगे तो आपकी cost calculate होती जाएगी. तो 30 मल्टीप्लाई बाय 550 प्लस 5000 करेंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट ये वाली आ जाएगी. लाइकवाइज गैसोलीन एंड सप्लाईज है 9Q, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 550 के साथ तो ये आपके पास कॉस्ट आ जाएगी 4950. लाइकवाइज इक्विपमेंट मेंटेनेंस है, दैट इज 3Q, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 550 के साथ. और फिर उसके बाद आप देखें ऑफिस एंड शॉप यूटिलिटीज, दैट इज ओनली 1000. There is no variable part, so this is total fixed cost. तो ये पहले वाला जो revenue है ये variable है. फिर उसके बाद wages and salaries, that is mixed cost, जिसमें कुछ part fixed है और कुछ part variable है. Then gasoline and supplies is purely variable cost, जिसमें तमाम के तमाम variable है.
जस्ट देन इक्विपमेंट मेंटेनेंस दैट इज आल्सो वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें तमाम की तमाम वेरिएबल है. देन ऑफिस एंड शॉप यूटिलिटीज इज टोटली फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें कोई वेरिएबल पार्ट नहीं है. फिर ऑफिस एंड शॉप रेंट है, दैट इज आल्सो फिक्स्ड कॉस्ट. देन इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन है, दैट इज आल्सो फिक्स्ड कॉस्ट. एंड देन इंश्योरेंस है, दैट इज आल्सो फिक्स्ड कॉस्ट. इन तमाम कॉस्ट को जब हम प्लस करते हैं तो दैट इज 34,600, दैट इज टोटल एक्सपेंसेस. आप टोटल रेवेन्यूज में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमारे पास 6,650 आ जाता है, दैट इज आर नेट ऑपरेटिंग इनकम. तो ये एक छोटा सा फ्लेक्सिबल बजट था. तो फ्लेक्सिबल बजट इज बेसिकली प्रिपेयर्ड ऑन एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी. हम वही वाले बजट बनाने का जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूलाज को यूज करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं या एक्टिविटी लेवल जो है वो एक्चुअल ले लेंगे. इसकी बेस के ऊपर हम एक नई फिगर्स कैलकुलेट कर लेंगे, दैट फिगर्स विल बी कॉल्ड फ्लेक्सिबल बजट फिगर्स, और उसकी बेसिस के ऊपर हम अपना फर्दर एनालिसिस करेंगे.